आज हमारा टॉपिक है एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डियम जो है वो इनरमोस्ट लेयर है हार्ट का। सो उस लेयर में किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन दैट कैन बी ड्यू टू इन्फेक्शन, सो उस एक कंडीशन को हम कहते हैं एंडोकार्डाइटिस। ओके, सो एंडोकार्डाइटिस होने के रीजंस, ब्लड में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके का टॉक्सिक सब्सटेंस है, कोई फॉरेन बॉडी है, किसी भी तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सबसे पहले जो लेयर इन्फेक्ट होंगे वो एंडोकार्डियम होगा, क्योंकि जो ब्लड हार्ट में आ रहे हैं दैट विल बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एंडोकार्डियम। ओके, सो इसलिए मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति कोई इलिसिट ड्रग इंजेक्ट करते हैं बॉडी में, ठीक है, सम थिंग्स दैट आर नॉट गुड फॉर द बॉडी, टॉक्सिक केमिकल्स, सो उस चीज़ का भी सबसे पहला असर कहाँ पड़ता है, एंडोकार्डियल लेयर में। सो इंजेक्टिंग द इलिसिट ड्रग्स कैन बी वन रीज़न दैट कैन लीड टू एंडोकार्डाइटिस। देयर कैन बी रीजंस कि एनी सेप्टिसीमिया कैन लीड टू एंडोकार्डाइटिस। सेप्टिसीमिया में द ब्लड इन्फेक्शन कैन बी ड्यू टू वायरस, इट कैन बी ड्यू टू बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासाइट। तो किसी भी ऐसे हाईली इन्वेसिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं इनकी वजह से हो सकता है। जो एंडोकार्डाइटिस है वो उन कंडीशंस में भी देखा गया है कि अगर कोई टूथ रिलेटेड प्रोसीजर्स करा रहे हैं, अगर कोई गम इन्फेक्शन है, टीथ या गम में इन्फेक्शन है, या फिर कोई प्रोसीजर कराया है, कोई टूथ एक्सट्रैक्शन कराया है, तो रूट कनाल वगैरह कराया है, तो भी अगर देखा जाता है कि अगर गम ने कोई भी नर्व अगर डैमेज हो जाए या नर्व कंप्रेस हो जाए या ब्लड वेसल्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए, सो इट विल डायरेक्टली गेट इफेक्टेड इन टू द एंडोकार्डियम। ओके, सो इसीलिए कहा जाता है कि एनी कंडीशन दैट लीड्स टू गम इन्फेक्शन कैन बी वेरी फेटल फॉर द ह्यूमन बींग। ओके, नो इसके अलावा देर आर कंडीशंस कि किसी भी तरीके का इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन हो, इम्यूनिटी अगर कम हो किसी व्यक्ति की डिसऑर्डर की वजह से या मेडिकेशंस की वजह से, तो भी ऐसा हो सकता है कि द पर्सन कैन हैव एंडोकार्डाइटिस। ओके, सो ये तो हुए कुछ रीज़न जिनकी वजह से एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। अब हम देखते हैं कि सिम्टम्स क्या हैं एंडोकार्डाइटिस के। एंडोकार्डाइटिस में प्रोमिनेंटली जो फीवर आने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, मॉडरेट टू हाई फीवर्स हो सकते हैं पेशेंट को। इसके अलावा चेस्ट पेन होने के चांसेस हैं, जिसको हम एंजाइना भी कह सकते हैं, चेस्ट टाइटनेस होने के चांसेस हैं, और इसी वजह से जो चेस्ट टाइटनेस है इसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होने का चांसेस है, या डिस्निया। बेसिकली जो डिस्निया है दैट कैन हैपन ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जर्शन, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी के दौरान। इसके अलावा चेस्ट मर्मर होने के चांसेस हैं, मर्मर साउंड जो है वो तब ज़्यादा प्रोमिनेंटली सुनाई देता है जब हार्ट के वैल्व में कोई प्रॉब्लम हो, जिसको हम स्टेनोसिस कहते हैं। वैल्व में अगर जो ऑक्लूजन है या ऑब्स्ट्रक्शन है, और वैल्व पूरी तरीके से अगर ओपन नहीं हो रहे हैं या वहाँ पे किसी भी चीज़ का डिपॉजिशन हो गया है, तो उसको हम स्टेनोसिस कहते हैं। तो वैल्व का जो स्टेनोसिस है, उस दौरान जब ब्लड एक चेंबर से दूसरे चेंबर में आते हैं, तो बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ द नैरो ओपनिंग ऑफ द वैल्व। ओके, सो दैट इज़ वन इंडिकेशन कि मर्मर है, तो देर आर चांसेस कि देर इज़ अ स्टेनोसिस एंड दैट कैन बी अ रीज़न फॉर एंडोकार्डाइटिस। ओके, सो स्टेनोसिस एक बहुत बड़ा रीज़न है। स्टेनोसिस कैसे एक रीज़न है कि जब वैल्व का जो ऑक्लूजन क्रिएट हो जाता है किसी भी वैल्व में, इट कैन बी राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर और लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वैल्व में, तो उसमें होता क्या है कि जब ब्लड बहुत देर तक एक चेंबर में रुक रहे हैं, तो देर आर चांसेस कि थ्रोम्बस फॉर्मेशंस हो सकते हैं। थ्रोम्बस फॉर्मेशंस होते हैं तो फिर वही थ्रोम्बस वहाँ पे रहकर इट कैन लीड टू एन इन्फेक्शन। ओके, सो जो वैल्व स्टेनोसिस है दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रोमिनेंट रीजन जिनकी वजह से एंडोकार्डाइटिस देखा गया है। सो उसका जो सिम्टम है दैट इज़ मर्मर। इसके अलावा कुछ और वेक सिम्टम्स आ सकते हैं, लाइक वीकनेस, इट कैन लीड टू नोजिया, इट कैन लीड टू हेडेक। सो दीज आर सम ऑफ द सेकेंडरी सिम्टम दैट कैन बी हैपनिंग बिकॉज ऑफ द एंडोकार्डियम। ओके, इरेगुलर हार्ट बीट तो देखा ही जाता है, लेकिन मायोकार्डाइटिस में ज़्यादा चांसेस हैं इरेगुलर बीट्स के देखने के, रिदम के देखने के, एज कम्पेयर टू एंडोकार्डाइटिस। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन, हाउ कैन वी डायग्नोज द कंडीशन। इसमें हम ECG करके देखते हैं सबसे पहले, टू सी फॉर एनी टाइप ऑफ फिब्रिलेशंस, एनी टाइप ऑफ इरेगुलर रिदम। इसके अलावा हम इकोकार्डियोग्राम करते हैं। इकोकार्डियोग्राम इज़ अ टाइप ऑफ सोनोग्राफी जो किया जाता है देखने के लिए चेंबर्स में किस तरीके का इफेक्ट
है, किस तरीके का फंक्शनिंग है। जो स्टेनोसिस की हम बात कर रहे हैं, वो स्टेनोसिस हमें इकोकार्डियोग्राम से बहुत आराम से दिखाई दे जाएगा। ओके, सो इकोकार्डियोग्राम इज़ अ वेरी गुड थिंग। ट्रांस ईसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम बहुत अच्छा रहता है इकोकार्डियोग्राम में, क्योंकि इकोकार्डियोग्राम हम आउटर चेस्ट से तो कर ही सकते हैं, लेकिन ट्रांस ईसोफेजियल एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विद अ कैमरा डिवाइस इज इंसर्टेड इन टू दी ईसोफेगस। देन उसको क्या किया जाता है कि वहाँ से जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं वो पास होंगी एंड दैट विल क्रिएट अ इमेज ऑफ द हार्ट। ओके, सो ये भी बहुत अच्छा तरीका है टू सी फॉर एनी टाइप ऑफ अबनॉर्मैलिटी इन दी हार्ट, ईदर दैट इज़ अ स्टेनोसिस और इट इज़ अ फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर अगर एंडोकार्डियम में बन रहा है, तो वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे देख सकते हैं। ओके, सो ये कुछ कंडीशंस हुए। इसके अलावा हम CBC करा के देखते हैं, ब्लड कल्चर करा के देखते हैं, हम बायोप्सी भी ले सकते हैं अगर हार्ट के किसी भी लेयर में इन्फेक्शन हो रहा हो तो। ठीक, सो दीज आर सम ऑफ द डायग्नोस्टिक एवेल्युएशंस। नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मैनेजमेंट। अगर हम मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो अगर इरेगुलर रिदम है तो हम यहाँ पे डिजॉक्सिन देंगे। अगर बहुत ज़्यादा चेस्ट टाइटनेस है या पेन बहुत ज़्यादा है तो हम यहाँ पे एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं। इन्फ्लेमेशंस को कम करने के लिए हम एंटी इन्फ्लेमेटरी दे सकते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इसके अलावा हम यहाँ पे हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए, अगर चेस्ट टाइटनेस बहुत ज़्यादा है, वर्कलोड बढ़ रहा है हार्ट का, तो उसके लिए हम डायूरेटिक्स या फिर AC इनहिबिटर्स दे सकते हैं जो हार्ट के वर्कलोड को कम करने में मदद करेंगे। ओके, इसके अलावा जो मेन है इन्फ्लेमेशन के लिए, इन्फेक्शन के लिए, वो हम एंटी माइक्रोबियल्स देंगे। सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। इसके अलावा अगर पेशेंट को फीवर है तो हम पेशेंट को एंटीपायरेटिक भी दे सकते हैं। नेक्स्ट वील बी मूविंग ऑन टू द सर्जिकल मैनेजमेंट। यहाँ पे सर्जिकल मैनेजमेंट का बहुत बेनिफिट है, क्योंकि हमने कहा कि ज़्यादातर चांसेस हैं वैल्व में प्रॉब्लम होने की वजह से, तो वैल्व में अगर प्रॉब्लम है तो सर्जिकली वैल्व रिपेयरमेंट किया जाता है, जिसको सर्जिकल वैल्वुलोप्लास्टी कहते हैं। वैल्व विलो इज रिलेटेड टू वैल्व एंड प्लास्टी इज रिलेटेड टू रिपेयर। ओके, तो सर्जिकली वैल्व को रिपेयर करना क्या कहलाता है, सर्जिकल वैल्वुलोप्लास्टी। इसी के अलावा हम अगर वैल्व पूरी तरीके से ख़राब हो गया है और हम उसे रिपेयर नहीं कर सकते हैं तो वैल्व रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। तो दो सर्जिकल मैनेजमेंट्स में, एक आता है सर्जिकल वैल्वुलोप्लास्टी एंड नेक्स्ट आता है सर्जिकल वैल्व रिप्लेसमेंट। एंड द थर्ड थिंग इज़ डिब्राइडमेंट ऑफ द इन्फेक्टेड एरिया। अगर एंडोकार्डियम में बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड एरिया क्रिएट हो चुका है, जिसको हम CT MRI के द्वारा देख सकते हैं, तो उस चीज़ को भी हम सर्जिकली क्या कर सकते हैं, उस गैंग्रीन को, उस इन्फेक्टेड एरिया को क्या कर सकते हैं, हम सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। बिकॉज उस एरिया में ज़्यादा बढ़ने का मतलब है कि इट कैन लीड टू अ मल्टी ऑर्गन डिसऑर्डर। ओके, सो ये था एंडोकार्डाइटिस के बारे में। सो आई होप आपको एंडोकार्डाइटिस का ये सेशन समझ में आया होगा, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।